मुरादाबाद के थाना मंझोला स्थित लाइन पार शक्तिनगर में एक विवाहिता ने ससुराल से प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही मंझोला पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार विवाहिता रिंकी का विवाह शक्तिनगर निवासी अमन प्रताप से एक वर्ष पूर्व हुआ था। शादी के बाद से ही मैके वालों का आरोप है कि ससुराल पक्ष उनकी बहन को प्रताड़ित करता था। पिछले 3 माह से रिंकी अपने मैके में ही रह रही थी। 15 दिन पहले ही रिंकी वापस आई थी। मृतका रिंकी के चचेरे भाई कपिल के अनुसार पिछले 2 दिन से पति व सास के साथ कलेश और झगड़े हो रहे थे। आज जैसे ही सूचना मिली तो वे रिंकी की ससुराल में आए तो रिंकी मृत अवस्था में मिली। उधर रिंकी के पति अमन प्रताप का कहना है कि रोज की तरह रिंकी खाना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए गई थी और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। कोई आहट न होने पर उसने पुलिस को फोन किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो रिंकी फंदे से लटकी हुई मिली। पुलिस ने शव को उतार कर पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मेरा नाम कपिल है। जो मृतक है आप कौन है? वो मेरी चचेरी बहन है। अच्छा। और मेरा जो सगा भाई है, जो इसका सगा भाई था मेरी बहन का, उसका भी मेरी 2 घंटे पहले ही बात हुई थी। उसका कल भी फोन आया था, परसों भी बात हुई थी। इनका आपस में झगड़ा चल रहा था बहुत ज़्यादा, उस पर माइंड डिस्टर्ब करते थे, पीटते भी थे उसको। और 2-3 महीने अभी हमारे घर पर रह गई, अभी यहाँ पर 15-20 दिन पहले आई है। और कई बार इन्होंने उसे माइंड डिस्टर्ब किया है। हमारी बहन ऐसी नहीं थी कि आत्महत्या कर लेगी, वो बहुत संघर्षशील करने वाली लड़की थी। उसके अंदर 20-30 किलो वजन रह गया। अट्टी कट्टी की शादी करके दी थी अभी 1 महीने पहले। 1 साल वर्ष भी नहीं हुआ हमारी बहन की शादी को। कितनी उम्र थी, कहाँ रहते थे आप? हमारा गांव जो अमरोहा जनपद में पड़ता है, सैनगली थाने में, जेल की मड़ी है। तो कितने टाइम पहले आपने शादी की? 1 वर्ष हुआ है अभी केवल शादी को। तो क्या लगता है इनका मृत्यु का कारण? मुझे इनकी मृत्यु का कारण लगता है इन्होंने इसको पहले मारा है, उसके बाद ऊपर लटकाया है।